कभी जिनकी सख्त आवाज से हड़कंप मच जाता था, आज उनकी मधुर गायकी से लोग भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। कानून की जुबान बोलने वाला अफसर अब कृष्ण की भक्ति में ऐसा डूबा है कि उनकी कथा कहते कहते कभी झूम रहा है तो कभी गा रहा है। बिहार में सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का सत्संग चल रहा है, जहां संत के रूप में भगवत कथा सुना रहे हैं। व्यास के रूप में महाभारत से लेकर रामायण तक के अलग अलग प्रसंग सुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। तो आप अपना मन ठाकुर जी मंदिर में मौजूद श्रद्धालु उनको अपने बीच पाकर गदगद हैं। कोई अंग वस्त्र तो कोई माला पहना रहा है, फूलों के गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं। देखा जाए तो पूर्व डीजीपी अब परमहंस होने की दिशा में हैं। कहने वाले कहते हैं कि सब प्रभु की कृपा है। किसको कहते हैं न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। हालांकि कथावाचक इस भूमिका में उतरे गुप्तेश्वर पांडे को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन खूब तवज्जो मिल रही है। एक वजह तो ये भी है कि कथा वाचने वालों में शायद ही कोई व्यवस्था में इतने ऊंचे औहदे को छोड़ आया हो। पुलिस का सबसे बड़ा अफसर रहा आदमी अगर आध्यात्मिक चोला पहनेगा तो चर्चा जरूर होगी। खाकी से खादी पहनने की कोशिश और फिर गेरुआ तक ताना बाना। अलग अलग भूमिकाओं में गुप्तेश्वर पांडे का रूपांतरण इतनी तेजी से हुआ कि लोग ताकते रह गए। मजाक भी उड़ाया गया, सवाल भी पूछे गए, तंज भी कसा गया कि कौन कुमेती तोहा लागी। लेकिन जवाब में गुप्तेश्वर पांडे ने बस एक ही बात कही, हंगामा है क्यों बरपा, गाली तो नहीं दी है, भगवान की कथा सुना रहा हूँ तो परेशानी क्या है। असल में जब लोगों ने पहली बार पीतांबरी में पूर्व डीजीपी को भगवत कथा सुनाते देखा तो पहला सवाल जहन में आया कि अचानक उनको क्या सूझी। बिहार पुलिस के सबसे बड़े पद से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर सियासत की राह पकड़ी थी और नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हुए थे, मीडिया के सामने जनता और समाज की सेवा का दम भरा था, पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि समाज सेवा की जो राह उन्होंने चुनी है वो उन्हें भक्ति के मंच तक पहुंचा देगी। ये बात ठीक है कि पूरी कोशिश के बावजूद उनको बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का टिकट नहीं मिला। बड़े तामझाम से सियासी अखाड़े में कूदे थे, लेकिन एक भी दांव चला पाते उससे पहले ही मैदान से बाहर कर दिए गए। कहने वाले कहते हैं जिन्होंने सियासत में पीठ ठोकी थी उन्होंने बड़े प्यार से किनारे लगा दिया। सियासी मैदान में शिकस्त मिली सो मिली, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे के लिए इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती थी कि वो शिकायत भी ना कर सकें। हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात कहने वाले गुप्तेश्वर पांडे को सियासी गलियारे से मौन विदाई लेनी पड़ी, लेकिन क्या इसी चोट ने पूर्व डीजीपी को भक्ति की तरफ मोड़ दिया है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।